हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के नए चैप्टर के बारे में चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स इसके हम रिवीजन करेंगे और मैं इसके जितने भी सारे टॉपिक है इस वीडियो में कवर करूंगा सबसे पहले अगर हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं बट विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन रेट्स रिएक्शन रेट मतलब रिएक्शन की स्पीड के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन पढ़ते हैं द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएशन जो रिएक्शन का जो रेट है उसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं एंड मैकेच रिएशन प्रोसीड कौन कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड करता है ये सब हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे और याद रखना केमिकल काइनेटिक्स की जो रिएक्शन है वो दो तरह की होती है एक रिएक्शन होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती है हमारी एक स्टेप में और सेकेंड होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है इट इज द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए स्पीशीज मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलर कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम ठीक है तो उसे ही हम बोलते हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और याद रखना हम सबसे पहले जो कंसेंट्रेशन है उसे हम ब्रैकेट में रखते हैं सो so, सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जब टाइम T1 था रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होगी डेल्टा हमारी R1 और प्रोडक्ट की होगी P1 वन सिमिलरली जब टाइम T2 हो जाएगा तो आर रिएक्टेट की कंसेंट्रेशन हो जाएगी R2 टू प्रोडक्ट की P2 अब रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगी डिक्रीज होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आर रेट ऑफ डिस ऑफ आर किसके एक होता है डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम टेकन कंसेंटेशन ऑफ रियक्टन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो हमेशा डिक्रीज इन कंसनट्रेशन लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन जो टाइम टेकन है अब इंपॉर्टेंट चीज क्या जो रियक्टन की कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो रही थी तो आर टू माइनस आर वन क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा बट हम चाहते हैं जो रेट है वो हमेशा पॉजिटिव में आए तो हम एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा देंगे सो एज ए रिजल्ट हमारा फाइनल लिखेंगे माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी नेक्स्ट अगर हम बात करें रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है डिवाइड बाई टाइम टेकन पी टू माइनस पी वन टी टू माइनस टी वन डेल्टा पी बाय डेल्टा टी नेक्स्ट वट इज द यूनिट ऑफ रेट रेट हमें पता है यह है मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम कंसेंट्रेशन हम मोलरिटी में लेते हैं तो कंसेंट्रेशन हो जाएगा मोल्स पर लीटर डिवाइड बाई टाइम हो जाएगा पर सेकेंड तो यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड और अगर हमने कंसेंट्रेशन की जगह क्या यूज़ किया पार्शल प्रेशर जो आप गैसेज के फॉर्म में यूज कर सकते हो तो उसमें हम लिख सकते हो एटमोस्फेयर पर सेकेंड नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सपोज हमें ग्राफ दिया उससे हम रेट कैसे निकालेंगे सबसे पहले हमें ग्राफ दिया हुआ है रिएक्टेंट का रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है सपोज कंसनट्रेशन हमें दिया है आर वन आर टू टाइम हमें दिया है टी वन टी टू तो एवरेज रेट किसके इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन ठीक है और हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ये ऑलरेडी हमने अभी अभी पढ़ा था इसे हम बोलते हैं एवरेज रेट बट अगर इन्होंने पूछ लिया कि आप आपको इंस्टेंटेनियस रेट एट पर्टिकुलर पॉइंट सपोज ये पॉइंट दे दिया और पूछा कि इसका रेट कैसे निकालना है तो याद रखना आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो और टेंजेंट की जो स्लोप होती है वही इंस्टेंटेनियस रेट बताती है तो आपने ट्रायंगल बना दिया तो ये हो जाएगा हमारा डी आर माइनस ऑफ़ और ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द स्लोप. इसलिए सिमिलरली हम प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं प्रोडक्ट की कंसेंटेशन इंक्रीज हो रही है हमें प्रोडक्ट की यहाँ पहले पी वन थी टी वन से टी टू एवरेज क्या हो जाएगा रेट हमने ऑलरेडी पता है डेल्टा पी पॉइंट में तो आप इंस्टेंटेनियस रेट तो ये जो triangle बनेगा, ये स्लोप हो होगा ये हमें बता देगा इंस्टेंटेनियस रेट नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन पीसीएल फाइव को हमने कन्वर्ट किया पीसीएल थ्री में पीसीएल टू में अगर हम इसके रेट की बात करें याद रखना इसमें सबका स्ट्राइशोमेट्रिक ऑफिशियंट वन है ऑलरेडी हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा डेल्टाटन का हमेशा लिखेंगे हम लिखेंगे हमेशा डेल्टा पीसीएल थ्री डिवाइड बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा सी एल टू डेल्टा टी बट अगर स्ट्राइशोमेट्रिक ऑफिशियंट वन नहीं है देन रेट ऑफ द रिएक्शन आपको क्या करना है स्ट्राइशोमेट्रिक ऑफिशियन से डिवाइड करना तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी माइनस हाफ ऑफ रेट ऑफ ऑफ सिमिलरली इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट में हम पॉजिटिव लिखते हैं वन बाई फोर्थ ऑफ डेल्टा एन ओ टू डि डेल्टा टी जो भी स्टेसोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है इज इक्वल टू डेल्टा ओ टू बाय डेल्टा टी नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट लॉ एंड रेट कॉन्स्टेंट के बारे में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट अगर आप रेट को सिर्फ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में आप रिप्रेजेंट करते हो इट इज कॉल्ड एज रेट 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 लॉ इक्वेशन और एक्सप्रेशन सपोज कॉल्डन दिया हुआ इक्वेशन ए ए ए बी 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 सी 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 डी डी स्मॉल 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 एंड स्मॉल डी क्या हमारे स्टेसोमेटिक कोफिशियंट है तो हम रेट को एक्सप्रेस करेंगे सिर्फ कंसेंट्रेशन की टर्म में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू पार एक्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू पार वाई अब याद रखना है जो एक्स एंड वाई है सो दे मे और मे नॉट इक्वल टू द स्टाइशोमेट्रिक कोविशन एक्स और वाई ए और बी स्मॉल ए स्मॉल बी से मैच भी कर सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं और आपको एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ आप तभी फाइंड कर सकते हो यूरिंग यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ठीक है तो एक्स एंड वाई की जो भी वैल्यू होगी आप एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड करोगे और अगर आप इसको इक्वेट कर दोगे तो रेट बिकम्स इक्वल टू के ए रेस्ट टू पार एक्स बी रेस्ट टू पार वाई और जो के होगा दैट इज कॉल्ड एज रेट कॉन्स्टेंट ठीक है और ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा था माइनस रेट को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेस्ट पार एक्स बी रेस्ट टू आवर वाई दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है इट इज़ सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन सपोज हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है हमारे पास रिएक्शन है ए ए बी बी सी सी डी डी रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने अभी अभी पढ़ा रेट इज इक्वल टू के ए रेस्ट पार एक्स बी रेस्ट बार वाई अगर हम पावर की जो कंसनट्रेशन की पावर है इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारा बन जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो हम एक्स प्लस वाई और याद रखना एक्स प्लस वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं तो अगर वैल्यू अगर आपकी जीरो आई एक्स प्लस वाई की तो इसे बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिस रिएक्शन में होगा और फर्स्ट आया वन आया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर टू आया तो दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और याद रखना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शंस में भी आ सकता है नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट याद रखना जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है वो डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर में डिफरेंट होगा फर्स्ट में डिफरेंट होगा सेकंड में डिफरेंट होगा तो हर एक रेट ऑर्डर कांस्टेंट का हम यूनिट फाइंड करेंगे तो रेट इक्वल टू के ए रेस्ट पर एक्स बी रेस्ट पर वाई और रेट कॉन्स्टेंट इक्वल टू रेट डिवाइड बाई ए पर एक्स बी रेस्ट पर वाई हमने यूनिट फाइंड करना है तो हमें पता है ए एंड बी को हम कंसेंट्रेशन भी ले सकते हैं सो के इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन क्योंकि दोनों के यूनिट्स बराबर है कंसेंट्रेशन एक्स प्लस वाई हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है एक्स प्लस वाई क्या होता है जीरो हो जाता है जो जीरो ऑर्डर है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता तो के रेट कॉन्स्टेंट रेट और हमें पता है रेट का यूनिट होता है मोस्ट पर लीटर पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है जो x प्लस है वो वन आ जाता है के इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन रेट का यूनिट हमें ऑलरेडी पता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड कंसेंट्रेशन हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलिटी होता है मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर कैंसिल हो जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है पर सेकेंड अगर अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की x प्लस वाई होता है टू के इक्वल तो रेट रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन का स्क्वायर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड मोल्स पर लीटर का स्क्वायर तो मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर एक कैंसिल हो जाएगा फिर ये ऊपर चला जाएगा हमारा आएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन मोलिकुलेटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है जो एक स्टेप में होता है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो बताता है हमें मोलिकुलेरिटी ऑफ ए रिय रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमेंटेनियसली जो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इसे से हम एग्जाम्पल से बताएंगे जैसे हमारे पास है एन एच फोर एन ओ टू रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एन टू टू एच टू ओ इसमें अगर आप देखोगे सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज है ठीक है सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज है तो इसकी मॉलिकुलरिटी हो जाएगी वन इसे बोलेंगे हम यूनी मोलिकुलर रिएक्शन अगर आप देखोगे सेकेंड रिएक्शन में दिया हुआ है टू एच आई इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास एच आई के तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एच टू एन आई टू इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी दो और कॉल्ड एज बाई मॉलिकुलर रिएक्शन थर्ड इक्वेशन में टू एनओ प्लस तीन मॉलिक्यूल्स हैं रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू एन ओ टू तीन मॉलिक्यूल्स हैं तो मोलिकुलरिटी हो जाएगी थ्री दिस इज कॉल्ड एज ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन तो मॉलिकुलरिटी आप रिएक्शन में रिएक्टेंट देख के बता सकते हो वेर एज जो ऑर्डर है आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा ठीक है अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है मॉलिकुलरिटी सिर्फ तीन ही हो सकती है अगर तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो जो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होती वो एक स्टेप में नहीं होती वो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो तीन मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करने का चांस ज़्यादा होता है बट चार मॉलिक्यूल्स का काफ़ी ज्यादा कम होता है तो वो रिएक्शन हो जाती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मालिकुलेरिटी नहीं फाइंड कर सकते ठीक है तो ये चीज़ याद रखना कि मैक्सिमम मालिकुलेरिटी ऑफ रिएक्शन तीन ही हो सकता है सो इट कैन नॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर ये भी चीज़ याद रखना इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फिर मैं बतायाता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप मॉलिकुलरिटी नहीं फाइंड कर सकते हो बट अगर आपने वहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होता है अगर आपने स्लोएस स्टेप देख लिया ठीक है और स्लोएस्ट स्टेप में आपने देख लिया कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो आप क्या बता सकते हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में सबसे पहले हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और हमें पता जो है इट इज इज इक्वल इक्वल टू 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 माइनस ऑफ डी डी आर आर टी और के ठीक है आर टू पार जीरो क्यों किया क्योंकि जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है तो दैट्स वाई रेस्ट पार जीरो माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इन टू वन किसी को रेस टू बार जीरो करोगे वन के इक्वल हो जाता है सो so, याद रखना डी आर इज इक्वल बना लिया अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो डी आर हमारा आर के इक्वल हो जाएगा और माइनस ऑफ के डी टीवल हो जाएगा माइनस ऑफ के टी के और प्लस आई आ जाएगा ये जो आई है इस दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ये आपको याद रखना है अगर हमने अब टाइम लिया जीरो जब टाइम जीरो था तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन विच इज आर नॉट तो हम इस इक्वेशन को अगर हम लिख लेंगे तो हमारा आर नॉट हो जाता है ये टाइम, टाइम हो जाएगा हमारा जीरो विच इज इक्वल टू आई तो ये जो वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे आई की वैल्यू तो आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी इज प्लस आर नॉट अब हम ये जो इक्वेशन है इसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में यूज कर सकते हैं वाई इजल टू एम एक्स प्लस सी इसमें वाई एक्सिस में हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा

डी टी इज इक्वल टू के आर रिस्ट पारन रिस्ट पारन इसलिए क्योंकि रीअरेंज करेंगे डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी ये हमें मिल गया अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इंटीग्रेशन जब हम करेंगे डी आर बाई आर की तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ एल एन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस आई ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लिया अब हमने लिया है जब टाइम टी जीरो के इक्वल हो जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी आर नॉट के वैल्यू करते हैं तो एल एन हो जाएगा आर नॉट टाइम हमारा जीरो प्लस आई तो आई बिकम्स इक्वल टू एल एन आर नॉट अब ये जो वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो हमारा आ जाएगा एल एन आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस एल एन आर नॉट के इक्वल आ जाएगा ठीक है अब ये जो इक्वेशन है इसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच कर सकते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई हमारा हो जाएगा एल एन आर एक्स हमारा हो जाएगा टाइम ये जो स्लोप है ये हो जाएगा माइनस ऑफ के और ये जो इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा एल एन ऑफ आर नॉट इसको आप रीअरेंज कर सकते हो तो आपके इज इक्वल टू वन बाई टी एल और अगर आप नेचुरल लॉग लॉग को ऑफ में कन्वर्ट करते हो तो हो जाएगा ऑफ नेक्स्ट हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इसे हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं द टाइम इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल इनिशियलेशन जो ओरिजिनल कंसेंट्रेशन थी वो अब हाफ हो चुकी है सो दैट इज कॉल्ड एज उस टाइम को बोलते हैं हम हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन सपोज हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी सपोज अगर हम इसकी हाफ लाइफ बात करें तो अब जो फाइनल कंसेंट्रेशन है आर है वो कितना हो चुका है इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा हो चुका है तो फाइनल हो जाएगा आर नॉट बाई टू तो हम टाइम को हम हाफ ले सकते टाइम को मुस्तर ले जाएंगे टी हाफ बाई के तो हो तो R0 by 2K. तो अगर जीरो ऑर्डर दिया तो आप ऐसे हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हो टी हाफ इज इक्ल टू आर नॉट बाई टू के और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें हमें पता है के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो टी लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर अगर हम बात करें टी हाफ की अगर हमने इसको चेंज कर लिया हाफ लाइफ में तो हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री के लॉग ऑफ फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट आर नॉट बाई टू अब क्या हो जाएगा जो आर नॉट बाई टू आर नॉट नॉट कैंसिल हो जाएगा टू ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा टी हाफ इसको टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री डिवाइड बाई के लॉग ऑफ टू लॉग ऑफ टू हमें पता है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो है तो टी हाफ जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो डिवाइड बाई के तो हमारा टी हाफ आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाई के नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है द रिएक्शन विच इज नॉट एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है बट इट बिहेव ड्यू टू ऑल्टर कंडीशन वो बिहेव करती है फर्स्ट ऑर्डर की तरह ठीक है जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एसिड हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर सपोज आपके पास एस्टर है इथाइल इथनोइट आपने इसे वाटर के साथ रिएक्ट किया और वाटर क्या एक्सेस में है एच प्लस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा बन जाता है एसिटिक एसिड एंड इथनॉल अब इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो रेट है याद रखना ये जो है, है, है बट एक्सेस ले लिया, इतना ले लिया आपने कि अगर आप वाटर की एक्स्ट्रा कंसेंट्रेशन डालोगे तो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं जो के है ये कांस्टेंट है अब की इतनी ज्यादा है वो भी कांस्टेंट की तरह बिहेव कांस्टेंट कांस्टेंट से हमने एक और कांस्टेंट बना लिया के बिकम्स इक्वल टू द

रिलेशनशिप के लिए हम पढ़ेंगे आर इक्वेशन सो इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कॉन्स्टेंट एंड द टेम्परेचर रेट कॉन्स्टेंट हमारा होता है के इज इक्वल टू टू ए ए ई पावर ऑफ माइनस क्या होता है हमारा इसे हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और कॉल्ड एज आरियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर ई ए को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी जो आर है गैस कॉन्स्टेंट और टी होता है टेम्परेचर इन कैलविन अब अकॉर्डिंग टू द आरस इक्वेशन जो रिएक्शन है रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विद कोलाइड तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तभी रिएक्शन होगा नेक्स्ट हम बात करेंगे आरहीनस थ्योरी के बारे में कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेन मॉलिकल से कोलाइड करते हैं दे फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे उसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है अनस्टेबल होता है सो इट एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है और उसके बाद इट विल ब्रेक अप टू फॉर्म प्रोडक्ट एग्जाम्पल से बात करते हैं आपके पास हाइड्रोजन है आयोडीन है आपने दोनों को रिएक्ट किया तो दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड बन रहा है तो ये इंटरमीडिएट क्या होगा बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एच आई का बॉन्ड बन जाएगा हमें एच आई मिल जाएगा ठीक है अब ये जो इंटरमीडिएट बना रहे हैं इसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या है हमारे वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है एक्स एक्सिस में है रिएक्शन कोऑर्डिनेट सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है रिएक्टेंट को हमने किसमें कन्वर्ट करना है रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे और इनको क्या एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी इनको सपोज एक्टिवेशन एनर्जी मिलकर इसकी कुछ एनर्जी है रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी जैसी मिल जाती है तो यहाँ पे ये यह बना देंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करेगा इट विल गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी प्रोडक्ट की कम थी तो ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हो रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये डेल्टा एच होगा डिफरेंस ऑफ एनर्जी और ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव में क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये हो जाएगा एक्जोथमिक रिएक्शन सिमिलरली अगर इस रिएक्शन में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्शन कॉर्डिनेट है रिएक्टेंट की एनर्जी कम है अब रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तो इसको हम पहले एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो इट विल फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उसके बाद ये प्रोडक्ट बना देगा रिएक्टन की कम है प्रोडक्ट की ज्यादा तो मतलब इसमें हमें हीट देना पड़ रहा है इस रिएक्शन में तभी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा और ये हो जाएगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट हम बात करेंगे आर एन एस इक्वेशन में हमें पता है फॉमूला क्या होता है के इज इक्वल टू ए ई टू पार ऑफ माइनस ई ए बाई आर टी हम लगाएंगे नेचुरल लॉग ऑन बोन साइड नेचुरल लॉग होता है एल एन तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ के एल एन ऑफ ए और ये जो वैल्यू है एक्सपोनेंट की नीचे आ जाएगी माइनस ई ए बाई इसको अरेंज करेंगे इसका हम क्या बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई एक्सिस हो जाएगा एल एन एक्स हो जाएगा हमारा टी वन बाई टी ठीक है तो याद रखना ये जो हमारा e, minus of by r, m, ये हमारा हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर और ये क्योंकि नेगेटिव है सो इट इज डाउनवर्ड्स और प्लस क्या हो जाएगा जो प्लस एलन था ये हो जाता है इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट हो जाएगा एल एन जो हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अगर आप चाहते हो कि इसे हम लॉग ऑफ टेन की फॉर्म में लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो प्लस लॉग ऑफ ए अगर इसका भी हम इक्वेशन बनाए स्ट्रेट लाइन तो यहां हो जाएगा लॉग ऑफ के वन बाई टी यहाँ पे हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर तो ई माइनस ई ए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर और इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग ऑफ ए सपोज आपके पास दो इक्वेशन है टेम्परेचर जब टी वन था K हो जाएगा हमारा K1 वन टेम्परेचर टी था तो हमारा K हो जाएगा K2 तो आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस कर सकते हो तो तब आप इक्वेशन को माइनस करोगे तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा लॉग ऑफ K2 टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए डिवाइडेड बाई टू पॉइंट और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 बाय टी वन माइनस ऑफ वन बाय टी नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन जो कैटलिस्ट होता है वो याद रखना वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ द रिएक्शन वो कैसे इंक्रीज करता है इट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथवे बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी सपोज हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये जो ब्लैक लाइन है वो रिप्रेजेंट है रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट ये ई ए से रिप्रेजेंट किया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है जैसे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं कैटलिस्ट क्या करता है है एक अल्टरनेट पे जो कैटलिस्ट होता ना रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी e कम रहता है ठीक है और कम एक्टिवेशन एनर्जी के बाद वो प्रोडक्ट बना के फिर से कैटलिस्ट सेपरेट हो जाता है सो अल्टरनेट पाथवे से एक्टिवेशन कम करके एनर्जी को ये प्रोडक्ट बनाता है अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी डेल्टा जी है वो चेंज नहीं होता ठीक है गिब्स एनर्जी रिएक्शन का चेंज नहीं होता है और ये सिर्फ उसी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है जो रिएक्शन खुद से होती है सिर्फ उन्हीं रिएक्शन को कैटेलाइज करता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इट विल नॉट कैटलाइज जो जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है उनको कैटेलाइज नहीं करता नेक्स्ट इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को भी वो चेंज नहीं करता बट इट विल अटेन द इक्ब्रियम फास्टर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को फास्ट कर देता है बट तो इक्वल स्पीड में एज ए रिजल्ट जो इक्विब्रियम है वो फास्टर आ जाता है बट तो इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट विल रिमेन सेम नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन कोलिजन थ्योरी हमें बताती है जो रिएक्टेन मॉलिक्यूल्स है दे आर एज्यूम टू बी हार्ड बार्ड्सफेयर उन्हें हम हार्ड हार्ड्सफेयर मानेंगे एंड रिएक्शन अक्कर्यू टू देयर कोलिजन तो उनके कोलिजन से रिएक्टेंट के कोलिजन से हमारा क्या होगा रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बनेगा तो इसे लिखते हैं रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई माइनस ऑफ ए बाई आर टी और जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा सपोज आपके पास दो रिएक्टेंट है ए एंड बी इट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट जैसे नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो ज्यादा क्या होगा ज्यादा क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट बनेगा बट जितने भी सारे कोलिजन है वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे हमें चाहिए इफेक्टिव कोलिजन ठीक है सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते कुछ सिर्फ कुछ ही कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इफेक्टिव कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल विद द सफिशेंट एनर्जी मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी होना चाहिए कि वो क्या करे एक्टिवेशन एनर्जी पार कर पाए तो उस एनर्जी को बोलते हैं हम थ्रेश एनर्जी होना चाहिए और सेकेंड उसके पास क्या होना चाहिए प्रॉपर ऑरियंटेशन ठीक है प्रॉपर ओरियंटेशन की बात करते हैं सपोज यहाँ पे हमारे पास है सी एच थ्री बी आर ओ एच के साथ कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन सपोज बी आर एंड ओ एच एक ही डायरेक्शन से है दोनों ठीक है तो बी आर क्या है ये न्यूक्लियोफाइल है इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है वो ओ OH एच को क्या कर देगा ओ OH एच पे भी इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर देगा एज ए रिजल्ट ओ एच कार्बन पे अटैच नहीं होगा इसे बोलते हैं इन प्रॉपर ओरियंटेशन और अगर सपोज ये जो OH है वो पिछली डायरेक्शन से आता है बैक डायरेक्शन से ओ एच OH अटैक करता है तो एक डायरेक्शन से बी रिमूव हो जाएगा एक पे ओ आर ओ एच OH अटैच हो जाएगा तो इसे बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन तो कोलिजन के लिए हमें चाहिए पहले थ्रेश एनर्जी एंड और प्रॉपर ओरिएंटेशन तो इसमें हम नया फैक्टर ऐड कर देंगे विच इज पी विच इज प्रॉबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर और ये बताते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ द जो कोलिजन है वो इफेक्टिव कोलिजन है सो रेट इज इक्वल टू पी जेड ए माइनस ई ए बाई आर टी आई होप आपको केमिकल काइनेटिक्स का ये वीडियो समझ आया हो सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर के बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चेक कर सकते हो सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय